आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का हरियाणा का अहम दौरा रहने वाला है। हिसार में आदमपुर में अहम दौरा रहेगा। किस तरीके से ये दौरा रहने वाला है, किन वर्गों के साथ विशेष संवाद जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगिंदर शर्मा जी हैं। शर्मा जी, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अरविंद केजरीवाल जी? देखिए, 7 और 8 तारीख को हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हिसार पहुँच रहे हैं। हिसार में आदमपुर को हमने चुना है। आदमपुर में वो 7 तारीख को तो छात्रों से संवाद करेंगे, देश के युवाओं से संवाद करेंगे, वहाँ के व्यापारियों से मिलेंगे और देश को नंबर 1 बनाने की एक मुहिम जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उनकी भागीदारी भी के ऊपर संवाद किया जाएगा कि युवाओं की देश को नंबर 1 बनाने में जो भागीदारी है, जो तय होनी चाहिए, जो उनको करना चाहिए, उसके ऊपर उनसे संवाद करके उनको प्रेरित करेंगे कि देश को नंबर बनाने में जो हमारी मुहिम है उससे जुड़ें। 8 तारीख को एक तिरंगा यात्रा की जाएगी आदमपुर में और अनाज मंडी में उसका समापन होगा लोगों को संबोधित करके। पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं, तो जो पंजाब में बड़े फैसले लिए गए इसकी भी जानकारी इस दौरान दी जाएगी सभी वर्गों? देखिए, पंजाब की 5.5 महीने की सरकार हुई है लेकिन पंजाब में जो हमने वादे किए थे उनमें से 3 गारंटियां आज हम पूरी कर चुके हैं, जिसमें से बिजली की है और चिकित्सा जो मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे वो है और रोजगार की है। आप देखेंगे 35,000 नौकरियाँ हमने पक्की कर दी हैं, वहाँ पे जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का किया गया और 50,000 नई नौकरियाँ भी निकाल दी गई हैं। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे जो आम आदमी पार्टी ने अपना वादा किया था उसकी शुरुआत कर दी गई है और आप देखेंगे कि हर साल 2 लाख नौकरियां देने का वादा जो हमने पंजाब में किया है वो हम जल्द ही उस लक्ष्य को पूरा करके दिखाएंगे जनता को। तो यही वादा हम आके जनता को भी बताएंगे, हरियाणा की जनता में भी मेक इन इंडिया नंबर 1 को भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी सबके साथ संवाद करेंगे इस मुद्दे पर। क्योंकि आदमपुर में बाई इलेक्शन होना है सर और हरियाणा में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो उसकी तैयारी के तौर पर इसे देखा जाए जो दौरा 2 दिन का रहने वाला। देखिए, आदमपुर को हमने इसलिए चुना है कि आदमपुर परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। वहाँ पे 40 साल से एक परिवार राज करता आया लेकिन विकास के नाम पे वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए आदमपुर को चुना गया। आज वो परिवारवाद खत्म हो गया, अब दोस्तवाद में बदल गया है, भाजपा में वो ज्वाइन हो गए हैं, उन पर पहले ईडी और CBI के केस चल रहे थे वो सब समाप्त हो गए, आज वो दूध के धुले होके भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो मित्रवाद और परिवारवाद की राजनीति जिसने देश को बर्बाद किया हुआ है इसको समापन करने के लिए, इसका लोगों को इसको इसके समझ देने के लिए और साथ में राष्ट्रवाद को जग जग तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक उसको आग्रह करने के लिए कि राष्ट्रवाद को हमें आगे लेके आना है, इसी मुहिम के साथ दोनों हमारे नेता आदमपुर पहुँच रहे हैं। पंचायत चुनाव और आदमपुर के बाय इलेक्शन को लेकर किस तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी? देखिए, पंचायती चुनाव में जिला परिषद के सभी चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी और आदमपुर के चुनाव जैसे ही घोषणा होगी तो हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ वहाँ भी लड़ेगी। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी, क्या सिंबल पर उतरेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, सभी जिला परिषद के और चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे और हर गाँव में हर मोहल्ले में पहुँचेंगे आम आदमी पार्टी के सिंबल पे। शर्मा जी, किस तरीके के कार्यक्रम लगातार हरियाणा भर में किए जा रहे हैं पार्टी को मजबूत करने? देखिए, पूरे हरियाणा भर में अभी हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, हर विधानसभा में हम जाके नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता बना रहे हैं और नए नए मेंबर्स को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में कम से कम 2 करोड़ हरियाणा वासियों को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया जाए और उनको अपनी नीतियों से अवगत कराया जाए, जितनी भी हरियाणा की जनसंख्या उनको बताया जाए कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के विकास की राजनीति को आगे लेके जाया जाए। लगातार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हरियाणा में जो स्थिति है फिलहाल शिक्षा की, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दे उठा रही। देखिए, हरियाणा में शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपने देखा कि इन्होंने पहले भी 700 स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर दिए और अभी भी 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का आह्वान कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। भाजपा अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूल बंद कर रही है
और प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा दे रही है। अभी आपने देखा होगा उन्होंने एक चिराग योजना लॉन्च करी जिसमें अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसको 1100 रुपये दिए जाएंगे और जो सरकारी स्कूल में दाखिला लेगा उसको 500 रुपये देने होंगे। मतलब बड़े ही हैरत की बात है कि कैसी कैसी स्कीमें भाजपा अपने मित्रों के फायदे के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए लेके आ रही है। इसकी हम उजागर करते रहेंगे, जनता को बीच में इसको लेके जाएंगे और जो भी सरकारी स्कूल उन्होंने बंद करने का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी इन स्कूलों को बंद नहीं होने देगी। 2.5 साल तक आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर इनका संरक्षण करेगी और देखिएगा 2024 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बना के और यहाँ के बच्चों को और विकसित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए थे हमारे साथ योगेंद्र शर्मा, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का दौरा रहने वाला है उसको लेकर जानकारी देते आ रहे थे और साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर आगामी समय में किस तरीके से रणनीति पार्टी की रहेगी इस पर बात करते नजर आए, और जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में किए जा रहे हैं उसको लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार पार्टी को मजबूती हरियाणा में मिल रही है और आने वाले समय में हरियाणा के बड़े संख्या में लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार।